सध्याच्या काळात आत्मबल आणि संयमाची आवश्यकता असल्याचं सांगून महात्मा गांधींचे विचार आजच्या काळातही संयुक्तिक असल्याचं राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी म्हटलं आहे. दिल्लीत राजघाट इथं महात्मा गांधीजींच्या 12 फुटी पुतळ्याचं अनावरण करताना त्या आज बोलत होत्या. गांधीजींनी आर्थिकदृष्ट्या आत्मनिर्भर भारताचं स्वप्न पाहिलं होतं असं सांगतानाच आज देशाला आत्मनिर्भर करण्याच्या दिशेनं काम सुरू असल्याचं त्या म्हणाल्या. गांधी दर्शन समिती गांधीजींचे विचार पुढे नेण्याचं कार्य करत असल्याचे गौरवोद्गार त्यांनी काढले. गांधी जी के सत्य और अहिंसा के प्रयोग ने उन्हें महामानव का दर्जा दिया. यही वजह है कि उनकी प्रतिमाएं विश्व के अनेक देशों में स्थापित है. उनको जानने और मानने वाले लोग दुनिया भर में फैले हुए हैं. दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला से लेकर नागरिक अधिकारों के पैरोकार मार्टिन लूथर किंग जूनियर और अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा तक ने गांधी जी के द्वारा दिखाए गए सत्य और अहिंसा के मार्ग को विश्व कल्याण के मार्ग माना. बापू के आदर्शों और मूल्यों शाश्वत थे. उनके दिखाए रास्ते पर चलकर आज भी विश्व शांति के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है.